गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज आप दूसरा अपठित गद्यांश कर पढ़ेंगे। समझा दूं आपको, वैसे तो आना चाहिए आपको खुद ही, लेकिन जब वीडियो बन रहा है तो क्यों ना फायदा उठाया जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम आपने सुना होगा। वे कहीं जा रहे थे एक बार, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि दो मजदूर लकड़ी का एक गट्ठा छत पर चढ़ाने का प्रयत्न कर रहे थे। लकड़ी का एक गट्ठा, गट्ठा उसी को कहते हैं, खूब सारी लकड़ियाँ एक साथ बंधी हों तो वो गट्ठा बन जाता है, उसको छत पर चढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। लकड़ी का गट्ठा बहुत भारी था तो दो आदमी उसे आसानी से उठा नहीं पा रहे थे। तीसरा व्यक्ति जो उनके निकट खड़ा हुआ था, उनके पास खड़ा हुआ था, उन्हें कार्य को जल्दी जल्दी करने का आदेश दे रहा था, आज्ञा दे रहा था, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। यदि वह जबानी आदेश की अपेक्षा, जबानी माने मौखिक मुंह से बोलकर, यदि वह जबानी आदेश की के बजाय लकड़ी उठाने में उनकी सहायता करता तो कार्य शायद जल्दी हो जाता। अब वॉशिंगटन उधर से जा रहे थे, उनको पता था ये मजदूर हैं, तो वॉशिंगटन ने रुक कर उस आदमी से मजदूरों का साथ देने को कहा, जो निर्देश दे रहा था ना, आदेश दे रहा था, मौखिक आदेश दे रहा था उनको, जबानी आदेश। तो उनसे कहा कि भाई साथ दो इनका। तो आदमी जो है वो तनक कर बोला, गुस्सा आ गया उसे, और वो बोला कि मैं देखभाल करने वाला निरीक्षक हूँ, मजदूर नहीं, मैं सिर्फ देखभाल करता हूँ, इंस्पेक्शन करता हूँ, मतलब निरीक्षक हूँ मैं, और मैं मजदूर नहीं। तो वॉशिंगटन ने जब देखा कि वो आदमी ऐसी बात कर रहा है, तो वॉशिंगटन ने स्वयं आगे बढ़कर मजदूरों की मदद की। अब लकड़ी का गट्ठा जो था छत पर पहुँचा दिया गया। जाते समय जॉर्ज वॉशिंगटन ने मुस्कुराकर उस व्यक्ति से कहा, उस निरीक्षक से कहा, कोई और कार्य हो तो मुझे बुला लेना, अगर कोई और कार्य बने आपका, ऐसा कोई हो तो मुझे जरूर याद कर लीजिएगा, मैं मजदूरी बना रहना चाहता हूँ। ये जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा, मुझे जॉर्ज वॉशिंगटन कहते हैं। इतना सुनना था कि निरीक्षक महोदय के पांव तले की धरती खिसक गई। उसने कहा, जॉर्ज वॉशिंगटन जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसने ऐसी मदद की? तो वह अत्यंत विनम्रता से क्षमा मांगने लगा। देखा आपने, व्यक्ति की महानता मेहनत और स्वावलंबन में है। स्वावलंबन माने अपने सहारे पर काम करना चाहिए, उसे मेहनत करनी चाहिए उसे, तब वह महान होता है। तो जॉर्ज वॉशिंगटन का वह कार्य इतिहास बन गया, और निरीक्षक जो था उसे कोई भी नहीं जानता, जॉर्ज वॉशिंगटन को सब जानते हैं। तो इस तरह से हमारे, मतलब इस तरह के थे जॉर्ज वॉशिंगटन। पहला प्रश्न आपका, गद्यांश में जॉर्ज वॉशिंगटन का उल्लेख क्यों हुआ है, मतलब उनके बारे में क्यों वर्णन किया गया है, इसका क्या करोगे? गद्यांश में जॉर्ज वॉशिंगटन का उल्लेख राष्ट्रपति होकर भी मजदूरों के काम में मदद करने के कारण हुआ है, और क्या करोगे इसका आंसर? दूसरा है, व्यक्ति की महानता कहाँ छिपी है? व्यक्ति की महानता मेहनत और स्वावलंबन में छिपी है। तीसरा प्रश्न आपका, मजदूरों का काम सरलता से कब हो सकता था? मजदूरों द्वारा लकड़ी का भारी गट्ठा उठाने का काम तब सरलता से हो सकता था जब उनका निरीक्षक उन्हें मौखिक या जबानी आदेश देने के बजाय खुद उनके काम में शामिल हो जाता, तो उनका मजदूरों द्वारा लकड़ी का भारी गट्ठा उठाने का काम तब सरलता से हो जाता। फिर आपका प्रश्न है, निरीक्षक मजदूरों की मदद क्यों नहीं कर रहा था? निरीक्षक मजदूरों की मदद इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वह स्वयं को मजदूरों से ऊपर समझकर निरीक्षण करना अपना काम समझ रहा था, कि मैं मजदूर नहीं हूँ, मैं निरीक्षक हूँ, मैं इनके
कार्य को की देखभाल करने के लिए तैनात किया गया हूँ, तो मैं क्यों करूँ, मैं तो मजदूर बन जाऊँगा अगर इनकी सहायता करूँगा तो आप इसको करेंगे कि निरीक्षक मजदूरों की मदद इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वह स्वयं को मजदूरों से ऊपर समझकर निरीक्षण करना अपना काम समझ रहा था, वह गट्ठा उठाना मजदूरों का काम समझ रहा था। ठीक है, और आखिरी प्रश्न है आपका कि मैं मजदूर ही बना रहना चाहता हूँ, ऐसा किसने कहा और क्यों? मैं मजदूर ही बना रहना चाहता हूँ, ऐसा अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा। इसका कारण यह था कि वे किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं समझते थे तथा बहुत परिश्रमी भी थे। तो इस तरह के होते हैं महान लोग, उनकी महानता मेहनत और स्वावलंबन से आंकी जाती है। तो इस तरह से आप इनके उत्तर करेंगे और ये भी आप अपनी हिंदी भाषा की अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। ये दो करिए, उसके बाद देखते हैं आपको क्या कराना है, क्योंकि CBSE ने कोर्स में काफ़ी आपके पाठ हटा दिए हैं, वो तो नहीं आएंगे आपके, आपको मैंने ग्रुप में भेज दिया था आपका कोर्स, तो इस वजह से आप देखते हैं आपका जो भी बच्चा है वो करा के फिर आप अपना रिवीजन करेंगे अगर स्कूल अभी नहीं खुलता है तो।